हेलो फ्रेंड्स। सो अब हम एक नया कंसेप्ट देखते हैं जिसे हम बोलते हैं दिस पॉइंटर। अब दिस पॉइंटर जो है ये एक स्पेशल टाइप का पॉइंटर होता है सी प्लस प्लस में, जो हमें केपेबल बनाता है टू एक्सेस ओन एड्रेस। तो कोई भी हम बोले ऑब्जेक्ट जो है, अगर वो अपना खुद का एड्रेस को एक्सेस करना चाहती है तो वो दिस पॉइंटर के थ्रू कर। सो दिस पॉइंटर बाय डिफॉल्ट एक इम्प्लिसिट होता है टू ऑल दी पैरामीटर्स इन ऑल दी मेंबर फंक्शन, और यूजली ये यूज़ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्वोक करने के लिए। तो लेट्स सी अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ दिस पॉइंटर। सो लेट्स से अगर मैं एक क्लास बनाता हूँ से बी, बी के पास लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीन चीज़ें हैं। लेट्स से बी की जगह हम बॉक्स ले लेते हैं। तो हमारे पास इन द पब्लिक सेक्शन वी हैव द कंस्ट्रक्टर ऑफ द बॉक्स, जिसमें बाय डिफॉल्ट मेन से जो वैल्यूज आएंगी इंट एल, इंट बी एंड इंट एच, वो एल बी और एच को असाइन हो जाएंगी। वी हैव अनदर फंक्शन कॉल्ड वॉल्यूम टू कैलकुलेट द वॉल्यूम। सो दिस विल रिटर्न लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। नाउ वी हैव अनदर फंक्शन से इंट कंपेयर, और ये कंपेयर जो है क्या करता है, ये दो ऑब्जेक्ट्स के वॉल्यूम को कंपेयर करता है। तो जो ऑब्जेक्ट हम एज अ पैरामीटर भेजते हैं उसे तो लेट से बॉक्स बी ने कैच कर लिया, बट जो इस फंक्शन को कॉल कराने में हेल्प करेगी वो ऑब्जेक्ट को हम रेफर कर सकते हैं दिस पॉइंटर से। तो हम लिखेंगे दिस वॉल्यूम ग्रेटर देन बॉक्स वॉल्यूम, या बॉक्स ग्रेटर देन बी वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमने किया क्या है, हमने क्लास क्लोज करी और मेन में हमने दो ऑब्जेक्ट बनाई बॉक्स बी वन 2, 3, 4 के साथ और बी टू 4, 5, 6 के साथ। अब इसके बाद हमने इफ़ बी वन डॉट कंपेयर फंक्शन को कॉल किया है बी टू के लिए। सो बी वन जो है वो इस दिस वॉल्यूम से एक्सेस हो सकता है, और जो बी टू है वो एज अ पैरामीटर पास हुआ है इस फंक्शन में और उसे कैच कर लिया है बी ने। उधर से ऊपर हमारा कंपेयर फंक्शन से आंसर 0 और 1 में आएगा। सो दिस विल बी बी वन इज ग्रेटर एल्स बी टू इज ग्रेटर देन बी वन, एंड मेन क्लोज कर दिया हमने। सो दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड कि जो दिस पॉइंटर होता है वो एक इम्प्लिसिट कॉल होती है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू एक्सेस इट्स ओन एड्रेस। तो जो भी ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किसी फंक्शन को कॉल करेगा, तो अगर वो ऑब्जेक्ट खुद उस फंक्शन के किसी भी जगह पर अपने आप को एक्सेस करना चाहती है तो उसे हम दिस पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करवाते हैं। सो लेट्स सी दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, और हम एग्जाम्पल में ऑपरेटर ओवरलोडिंग करेंगे एंड देखेंगे कैसे दिस पॉइंटर हमें हेल्प करता है। सो लेट्स कोड दिस। इन दिस वीडियो हम देखेंगे कि कैसे किसी रिलेशनल ऑपरेटर की फंक्शनैलिटी को ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट विद द एग्जाम्पल। हम इस एग्जाम्पल को दो तरीके से करेंगे, एक जब हम एक नॉर्मल कॉल करेंगे और दूसरा जब हम दिस पॉइंटर से इसको कॉल करने की कोशिश करेंगे। सो व्हाट वी हैव डन हेयर, हमने एक क्लास बनाई है डिस्टेंसेज नाम से, जिसके पास दो डेटा मेम्बर हैं फीट और इंचज़। अब डिस्टेंसेस के हमने यहाँ पर दो कंस्ट्रक्टर बनाए हैं, एक कंस्ट्रक्टर है हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और दूसरा है हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पर हमने ऑपरेटर ओवरलोड करने के लिए एक फंक्शन बनाया है जिसका रिटर्न टाइप है बूल। तो सिंटैक्स बताता है कि फर्स्ट हमें रिटर्न टाइप लिखना होता है, फिर हमें ऑपरेटर। सो बूल इज़ द रिटर्न टाइप, ऑपरेटर इज़ द कीवर्ड टू डू द ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और जो ऑपरेटर हम ओवरलोड कर रहे हैं वो है लेस देन। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर भेजा है और एक ऑब्जेक्ट ने इस ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन को कॉल किया है। सो यहाँ पर हमने पहले फीट्स कंपेयर कराए, तो फीट अगर डी डॉट फीट से कम है तो हम सीधा ही रिटर्न कर सकते हैं कि हमारा फर्स्ट वाला डिस्टेंस जो है वो छोटा है।
अगर हमारा फीट्स बराबर होते हैं तो हम इंचेस को कंपेयर कराएंगे और उसके बाद हम रिटर्न कराएंगे ट्रू वैल्यू। अगर दोनों ऊपर वाली कंडीशंस फॉल्स देती हैं तो अल्टीमेट आंसर इज़ फॉल्स। अब मेन में हमने डिस्टेंसेस की दो ऑब्जेक्ट बनाई, D1 2.3 से और D2 3.4 से। अब हमने दो ऑब्जेक्ट्स को सीधा रिलेशनल ऑपरेटर से कंपेयर कराने की कोशिश करी है एंड यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग हुई है। कैसे? कि यहाँ पर दो नंबर्स या दो इंटीजर या दो फ्लोट वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए जो ऑपरेटर यूज़ होता था वो अब दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ हुआ है और हमने यहाँ से अपना कॉल इस फंक्शन को दिया तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन हुई। यहाँ D1 में फीट की वैल्यू 2 है और D2 में फीट की वैल्यू 3 है तो हम सीधा मैच कर सकते हैं कि फीट वैल्यू जो है वो लेस है, तो ये फर्स्ट केस में ही ट्रू हो गया तो हमारा आंसर आएगा डिस्टेंस 1 इज़ लेस देन डिस्टेंस 2। सो लेट्स बिल्ड आर प्रोग्राम एंड सी। सो द प्रोग्राम इज़ गिविंग नो एरर्स और वार्निंग्स, सो रनिंग इट इट गिव्स यू द आंसर एज डिस्टेंस 1 इज़ लेस देन डिस्टेंस 2। सो वी कैन सी दैट इट इज़ गिविंग अस करेक्ट आंसर बिकॉज द बुल हैज़ रिटर्नड अ ट्रू वैल्यू। अब अगर यहीं पर हम देखें तो अगर हम अपने इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी D2 का भी फीट वाला वैल्यू 2 कर देते हैं एंड वी रिकम्पाइल आर कोड एंड रन दिस तो अब हमारा कंपैरिजन जो है वो इंच पे हुआ है। नाउ 2 एंड 2 जो है वो सेम है और इसके बाद 3 और 4 हुआ है तो 3 और 4 में ये कंडीशन ट्रू हो गई, रिटर्न ट्रू एंड ओवरऑल डिस्टेंस 1 इज़ लेस देन डिस्टेंस 2। अब अगर हम यहाँ पर इस चीज़ को 1 कर देते हैं और रिकम्पाइल करके अपने कोड को रन करते हैं सो दिस टाइम डिस्टेंस 2 इज़ लेस देन डिस्टेंस 1। सो द ओवरलोडेड ऑपरेटर इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और देखते हैं, जब हमने D1 लेस देन D2 फंक्शन को कॉल किया तो ये फंक्शन कॉल हुआ, लेकिन यहाँ पर कौन सी ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर गई और किसने इस फंक्शन को कॉल किया ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो जिसने इस फंक्शन को कॉल किया होता है वो हम वैल्यू को दिस पॉइंटर से एक्सेस कर सकते हैं। एज मेंशनड अर्लियर दिस पॉइंटर इज़ द पॉइंटर दैट इम्प्लिसिटली कॉल्स इटसेल्फ व्हेन यू हैव टू चेक दैट विच फंक्शन हैज़ बीन कॉल्ड बाय विच ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये वाला फीट कहाँ से आ रहा है, तो हम यहाँ लिखते हैं दिस दिस और दिस। अब हम देखते हैं कि किसने किसे कॉल किया है, सो वी रिकम्पाइल आर प्रोग्राम। सो डिस्टेंस 2 इज़ लेस देन डिस्टेंस 1, इट मीन्स कि जो D1 ऑब्जेक्ट है हमारा, D1 ऑब्जेक्ट ने इस ओवरलोडेड ऑपरेटर फंक्शन को कॉल किया था और जो ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर पास की गई है वो है D2। सो अगर हमें D1 की वैल्यूज़ को एक्सेस करना है वाया पॉइंटर तो वो इन द फंक्शन हम दिस पॉइंटर के थ्रू कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस पॉइंटर दैट इट शोज़ दैट विच पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज़ कॉलिंग विच ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर टाइम। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।